top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, विशेष तौर से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में जो चुनाव हो उसको प्रभावित करने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, उसका एक बहुत ही घृणित नमूना अभी पिछले दिनों दिखाई पड़ा। हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस समय वर्तमान में ऑल इंडिया सेक्रेटरी श्री राहुल सिन्हा को पश्चिम बंगाल की सरकार के निर्देश पर, पश्चिम बंगाल की सरकार के कहने पर और उनके षड्यंत्र के तहत एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस के कर्मचारियों को सादी वर्दी में भेजा गया और जो पुलिस के कर्मचारी श्री राहुल सिन्हा से गायों की तस्करी के लिए मदद मांगने की बात कर रहे थे, ये बात तो सबको मालूम है कि इस सरकार के अंतर्गत इस सरकार के संरक्षण में गायों की तस्करी बहुत खुले पैमाने पर पश्चिम बंगाल में होती है और पश्चिम बंगाल के सरकार के नेतृत्व में गाय की तस्करी के जो माफिया है वो संरक्षण पा रहे हैं, संरक्षित हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, इस घटना की जब जानकारी पुलिस को दी गई और खुद राहुल सिन्हा जी ने उन लोगों को पकड़ा, पकड़ने के बाद उनके खिलाफ FIR लॉन्च की, हमारी मांग हमने चुनाव आयोग से की है कि जो कलकत्ता के पुलिस आयुक्त हैं उनको और अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं कलकत्ता के वो और जो पुलिस कमिश्नर और उसके अलावा जो अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी हमने लिस्ट दी है, जो कि शुद्ध रूप से तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के रूप में, तृणमूल कांग्रेस के एक्टिविस्ट के रूप में काम लगातार कर रहे हैं, उनको तत्काल हटाया जाए और विशेष तौर से कमिश्नर पुलिस कलकत्ता राजीव कुमार को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव संभव नहीं है। इसको लेकर के चुनाव आयोग को हमने कहा है और साथ ही हमने कहा है कि जो सातों फेजेस के चुनाव हैं उसमें पर्याप्त पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाए, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए और वो लोग जो लोग कि पिछले दिनों जो स्टिंग हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो नेता पूरी तरह से खुले तौर से भ्रष्टाचार करते हुए दिखे उनको भी कैंपेन से डिबार किया जाए।